हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आज ही मैंने मैट्स मंगाए थे टाटा टियागो के। इसका प्राइस है, एक सेकेंड, 4,187, 4,187 के पड़े थे मुझे ये। अमेज़ॉन से मंगवाए थे मैंने, जस्ट अभी डिलीवर हुए। तो इसको खोल के देखते हैं कैसा क्या इनका हिसाब किताब है, गाड़ी में लगा के चेक करते हैं। खोलने के लिए कैंची वगैरह ले ली है मैंने, थोड़ा संभाल के खोलना पड़ेगा क्योंकि अंदर मैट से कट ना जाए, क्योंकि अगर एक भी कैंची लग गई तो कट सकते हैं, तो नुकसान हो जाएगा पूरा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे पूरे। ये देख दिखते थोड़े से ऐसे कुछ हैं, ये दिख रहे हैं, गोल्डन गोल्डन कलर की है शायद स्टिचिंग। मैं इसको पूरा खोल लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये अनबॉक्स हो गए हैं मैट हमारे। यहाँ पर टियागो लिखा हुआ है, ये लिखा है, अभी चिपके हुए हैं थोड़े से। इसको मैं खोल लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आप पूरा खोलने के बाद। तो ये है मैट, एक सेकेंड, ये तो मेरे हिसाब से ये पीछे वाला है से है, काफी हैवी है। यहाँ पे चिपकाने का वेलक्रो वगैरह बोलते हैं इसको, ये रहा, ये गाड़ी के जो कारपेट होते हैं उससे चिपक जाता है काफी अच्छे से। यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये भी दिया है, यहाँ पे हैं तो काफी मोटे वैसे। ये देख लो, तो मैं एक अंदाजे के लिए दिखाता हूँ आपको, रुको एक सेकेंड। ये तो ये ड्राइवर साइड का मैट है, काफी तगड़ा है ये वाला भी। ये चीज जो है इसकी अच्छी लग रही है काफी। पीछे वेलक्रो बराबर दे रखा है, ये रहा कहाँ गया, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये डेड पैडल के लिए उठा उठा सा जो होता है वो भी है, काफी बढ़िया है। और ये दूसरा वाला ड्राइवर के बगल वाला है, ये पैसेंजर साइड का, तो ये भी काफी अच्छे लग रहे हैं। तो ये इनका पूरा ओवरव्यू, सारे मैंने बिछा दिए नीचे। वो वाला ड्राइवर का है, वो को ड्राइवर का, और पीछे के पैसेंजर्स का। अब मैं इनको इतना अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा अच्छा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये जूते हटा देता हूँ पहले मैं, ये देखो ये वाला जो मैट है ये मेरी फॉर्च्यूनर का है। ये क्वालिटी देखो इसकी, ये मैंने निकाल दिया था, ये बहुत चीप क्वालिटी का था, ड्राइविंग सीट का निकाल दिया, बाकी कार में लगा हुआ है। इसकी क्वालिटी चेक करो और इसकी क्वालिटी चेक करो, ये देखो, ये अब वीडियो में शायद जस्टिफाई ना हो पा रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये बहुत पतला है और ये बहुत मोटा है, बहुत थिक है ये इसके मुकाबले। और इसमें जो ये था ना, ये पैड, ये भी बड़ा अजीब सी चीज़ का था, ये ग्रास का नहीं था, बड़ा अजीब सा प्लास्टिक प्लास्टिक का था, वो मैंने हटा के फेंक दिया। इस समय मैंने इसलिए ड्राइवर का हटा दिया है, सिर्फ मैंने वो ग्रास वाला मैट अलग से काट के लगाया ड्राइवर साइड पे, और पूरी कार में तो लगाया, खैर कि पैसे दिए थे, 4,500 का था ये भी। ये देखो ये इसमें नाम लिखा है इस कार का, फॉर फॉर्च्यूनर। इसमें तो शायद नहीं लिखा है, इसमें टियागो का कहीं भी नाम नहीं लिखा, लेकिन है टियागो का ही है, तो कुछ ऐसा है इसका हिसाब किताब। अच्छा लग रहा है, अब चलो लगाते हैं इसको कार में। तो वो खड़ी है हमारी गाड़ी, चलो उसके पास चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, दिखाते हैं कैसे लगते हैं लगाने के बाद। अब देखो यार, जैसे अगर आप लोग टाटा टियागो को या टाटा टिगोर सीएनजी को ऑन करते हो ना, तो उसमें 7D मैट लगाने में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आएगी कि ये देख रहे हो, ये वो है जो फायर एक्सटिंग्विशर का वो नहीं होता, छोटा सा सिलेंडर टाइप का, उसको माउंट करने की जगह दे रखी है यहाँ पे। वैगनार वगैरह में जैसे सीट में बैठा हूँ, पैसेंजर सीट में बैठा हूँ, इसके नीचे दी जाती है वो जगह, पर ये टाटा वालों ने पता नहीं यार कैसा बेकार सा दे दिया यहाँ पे। तो इसको खोलना पड़ेगा आपको, तभी 7D लगेंगे, नहीं तो नहीं लग पाएंगे 7D यहाँ पे। बाकी यार ये हमारी पूरी कार पन्नी उन्नी चढ़ी हुई है, ये पीछे मैट मैंने रख ली है, वो पीछे दिख रहा है, अभी 6 ही दिन की हुई है तो पन्नी वन्नी कुछ भी नहीं उतरी। सीट कवर रखे हैं, एसेसरीज के साथ मिले थे, पर
शोरूम वालों ने कहा कि अभी 15 दिन बाद चढ़वाना, तो अब 15 दिन बाद ही वो चढ़ेंगे। और ये रहे हमारे गणेश भगवान जी। तो चलो पहले इसको खोल लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। लो आप में से कोई किसी के पास है टियागो सीएनजी, तो ये 10 नंबर की रिंच ले लेना। देख रहे हो 10, ये 10-11 की रिंच है, 10 नंबर साइड से खुल जाएंगे, बहुत आराम से खुल जाएंगे सिंपली। यहाँ पे ऐसे बताओ, ऐसे ऐसे करके खोल लेना इसको, ऐसे खुल जाएंगे दोनों। मैं खुलने के बाद आपको वीडियो दिखाता हूँ बाकी की। तो ये खुल चुका है, 10 नंबर वाली रेंज से मैंने खोल लिया है। तो ये 10 नंबर वाली रेंज से खोल लिया है और ये बाहर आ गया है। ये इसमें माउंट रहता है सिलेंडर। देखो अब मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा आपको कि आप इसको निकाल दो, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, चालान वगैरह भी कुछ कट जाए इससे। लेकिन देखो यार, मुझे तो 70 लगाना था, तो मैंने इसको निकाल के बाहर रख दिया है। अब ये रहे इसके, ये सेंट्रो के मैट लगे हुए, वो सामने खड़ी हुई है सेंट्रो, वो काली वाली, ये उसके मैट अभी तक इसमें बेचारे में चल रहे थे, क्योंकि गाड़ी नहीं थी। और ये कारपेट वाले, ये मैट आप लोग जानते हो किसी काम के नहीं होते। देख लो कितनी गंद, इसको लगाने के बाद इसकी ये हालत हो गई है, तो आप समझ ही सकते हो। तो पुरानी है तो उसके मैट इसमें लगा रहे थे, अभी ये फिलहाल 70 पीछे रखे हुए हैं। इसको हम लगा के देखते हैं कैसी लग रही है गाड़ी। तो चलो लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये रहा इसका को ड्राइवर वाला, चलो इसको लगाते हैं। देखो ये वेलक्रो होता है पीछे, ये आपके इसमें चिपक जाएगा कारपेट, देख लो ये सब चीज़ें इसमें स्टक हो जाता है, चिपक जाएगा। तो ये लग गए मैट इसमें 70 पूरे, ये देख लो आप लोग। ये मैंने दो तीन दिन यूज़ भी कर लिया है इसको लगा के, तब मैं बता रहा हूँ। फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है, ये देखो ये डिग्गी उग्गी का सब कुछ, एक एक आप देखो ऊपर तक पूरा बहुत तगड़ा कवर किया है इसने, ये देख रहे हो। लेकिन एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है ना, ये सब गंदा भी हो जाता है इसमें थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी, ये वाली जो ग्रास देख रहे हो आप, ये थोड़ी सी गंदी हो जाती है। आओ पीछे वाला भी दिखा देता हूँ, ये पीछे का है, यहाँ तक पूरा एक कवर कर रखा है इसने। और ये पीछे का, ये ब्लैक कलर के मैट है, ये सूट तो बहुत अच्छा कर रहा है गाड़ी के साथ। खैर उधर का भी दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, देख रहे हो ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा और इसको कवर कर लेता ना तो मज़ा सही आ जाता, लेकिन चलो कोई नहीं, इतना भी बहुत है। अब को ड्राइवर का दिखा देता हूँ, ये देखो जा कहाँ तक रहा है, देख रहे हो पूरा ऊपर, ये पूरा कवर कर रहा है गाड़ी को, ये देखो इसने पूरा कवर कर लिया है गाड़ी को। तो यही है, ऐसे कुछ थे 70 मैट। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसका, अगर हो सकेगा तो आप वहाँ से मंगवा लेना। 4,200 रुपये के थे अप्रॉक्स ये। और ये देखो ये सिलेंडर वाला जो था ना, ये हटा दिया मैंने, ये सिलेंडर वो रखा है, ये रखा है, ये सीट के नीचे डाल दिया है। और ये कवर देखो यहाँ तक आ रहा है, ये मैट पीछे वाला ये यहाँ तक आ रहा है, इतना बचा है लगभग, इतना स्पेस बच रहा है। तो ये कुछ ओवरऑल गाड़ी का वो, सीट कवर्स भी मैंने लगवा लिए हैं इसमें, उसका वीडियो आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देख लेना कैसे क्या है सीट कवर्स का। तो बस यही था मैटिंग का वीडियो इस कार की। तो थैंक यू।